आज बात करते हैं कुछ शब्दों की और चार शब्दों से बने वाक्यों की। यदि हम छोटे छोटे वाक्य बनाएं तो हमें बोलने में आसानी होगी। बड़ी मुश्किल होती है जब हमें कहा जाता है कि हम पहले ग्रामर सीखें और फिर हम भाषा सीखें। ग्रामर से भाषा सीखना स्कूल के लेवल पे ठीक रहता है, परंतु जब हमें लगता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार से अपने वाक्य बनाएं, तो लगता है कि यदि हमें कोई छोटे छोटे वाक्य बता दे तो वह हमें बड़ी मदद कर सकता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम चार शब्दों के वाक्यों से। यदि हमें किसी को कुछ पूछना है, जैसे किसी से पूछना है विल यू हैव टी, विल यू हैव कॉफ़ी, तो ये चार शब्द हैं और ये सवाल किया हमने। और अगर मुझे कहना है कि मुझे चाय पीनी है, मैं चाय लूँगा, आई विल हैव टी, आई विल हैव कॉफ़ी, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे जो वाक्य हैं उसको बनाना शुरू करिए। जैसे आपने किसी को पूछना है कि क्या आप उसे जानते हो, तो आप कह सकते हैं, यदि कोई लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे डू यू नो हिम। और देखिए एक ही सेंटेंस में आपको मैं पुरुष, महिला, बहुत सारे लोग, उन सब के बारे में बता देती हूँ। कि यदि आपने किसी लड़की के बारे में या महिला के बारे में पूछना है तो आप कहेंगे डू यू नो हर, पुरुष के बारे में डू यू नो हिम। और बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे कोई ग्रुप खड़ा है तो आप कह सकते हैं डू यू नो देम। तो डू यू नो हर, डू यू नो हिम, डू यू नो देम, ये एक बड़ा आसान सा तरीका है। एक ही सेंटेंस को आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पुरुष के लिए या लड़के के लिए, महिला के लिए या बालिका के लिए, और एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह के लिए। इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि किसी के बारे में आपने सुना, तो आप कह सकते हैं आई हर्ड अबाउट हिम। हमारे हिंदुस्तान में बहुत होता है कि उसके बारे में मैंने सुना, आई हर्ड अबाउट हिम, यानी कि पुरुष या लड़का। आई हर्ड अबाउट हर, मैंने उसके बारे में सुना, जब हम लड़की के बारे में कह रहे हैं। या हम कह सकते हैं आई हर्ड अबाउट देम, उनके बारे में। अब ये भी कह सकते हैं आई हर्ड अबाउट इट, उस चीज के बारे में मैंने सुना, मतलब किसी विषय के बारे में भी आप कह सकते हैं आई हर्ड अबाउट इट, मैंने उस बारे में सुना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक पार्टिंग एवरी डे, मैं रोज पार्टी करना पसंद करता हूँ, आई लाइक पार्टिंग एवरी डे। अगर आपने किसी से पूछना है कि आज किस कौन परफॉर्म कर रहा, आज किसकी परफॉर्मेंस है, तो आप कह सकते हैं हु विल परफॉर्म टुमारो या हु विल परफॉर्म टुडे। आज के लिए कहेंगे हु विल परफॉर्म टुडे, कल के लिए कहेंगे हु विल परफॉर्म टुमारो। और अगर आपने कहना है कि किसने परफॉर्म किया कल, तो हो जाएगा तीन शब्द हु परफॉर्म्ड यस्टरडे। जी हाँ, आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कब है, तब आप कह सकते हैं व्हेन इज हिज परफॉर्मेंस, व्हेन इज हिज परफॉर्मेंस। यदि आपने कहना है कि वो बहुत होशियार है, तो आप कह सकते हैं ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, या ये भी आप कह सकते हैं ही इज क्वाइट ब्राइट, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, ही इज वेरी क्लेवर। आप ये भी कह सकते हैं ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ये काफी होशियार है, ही इज क्वाइट क्लेवर। तो आपने कहा ही इज क्वाइट क्लेवर, काफी क्वाइट है, और ये क्वाइट का मतलब है काफी। मैं दोबारा बता रही हूं आपको, क्वाइट, क्वाइट होता है शांत रहना, और क्वाइट है, क्वाइट का मतलब है शांति, और क्वाइट का मतलब है काफी। तो हम जब किसी को कहते हैं कि वो काफ़ी होशियार है, तो हम कहेंगे ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट,
ही इज क्वाइट ब्राइट, ही इज वेरी ब्राइट, बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर भी कह सकते हैं। और हम ये कहना चाहें कि शी के लिए भी कह सकते हैं ना, लड़की के लिए, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर है, शी इज वेरी करेजस, करेजस का मतलब होता है बहुत बहादुर, शी इज वेरी करेजस, शी इज वेरी नॉटी, बहुत शैतान है। उसी तरह से आप जब बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहते हैं एक समूह के बारे में, तो आप कहेंगे दे आर, वे ऐसे हैं, दे आर वेरी नॉटी। जैसे आपने एक बच्चों के समूह के लिए बोलना है तो आप कह सकते हैं दे आर वेरी नॉटी। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई बहुत ज्यादा बोलता है तब हम क्या कहेंगे, ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट, शी टॉक्स अ लॉट। परंतु जब हम एक समूह के बारे में बात करेंगे तब हम कहेंगे दे टॉक अ लॉट। जी हाँ, तो टॉक आया जब हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक वचन में एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, ही टॉक्स अ लॉट, शी टॉक्स अ लॉट, रीना टॉक्स अ लॉट, राजू टॉक्स अ लॉट। परंतु जब हम बहुवचन में जाते हैं प्लूरल में, तब हम कहते हैं दे टॉक अ लॉट, ठीक है। अगर हमने कहना है कि उन्होंने घर बनाया, दे बिल्ट अ हाउस, ये तो पास्ट टेंस हो गया, हो चुका, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्ट। अगर हमने कहना है कि अभी कर रहे हैं तो दे बिल्ड हो सकता है, परंतु हम ज्यादातर बोलते हैं कि वो उसने मकान बनाया, या हम कहते हैं वो मकान बना रहे हैं, तो वहां पे फिर वो बना रहे हैं जो है वो इंग फॉर्म है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। और आज मैं पांच शब्द नहीं, चार शब्द के बारे में बात कर रही हूं। सो इन्होंने मकान बनाया, दे बिल्ट अ हाउस, या शी बिल्ट अ हाउस, ही बिल्ट अ हाउस। और जब हमने कहना है कि मतलब अजीब बात मत करो, मतलब रिडिक्युलस बिहेवियर मत करो, तो हम कह सकते हैं Do not be ridiculous. जब आप किसी से नाराज होते हैं ना कि मतलब कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, Do not be ridiculous. और यही तीन शब्द का हो जाएगा जब आप do not का contraction इस्तेमाल करेंगे, आप कह सकते हैं Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. आप कह सकते हैं Do not be ridiculous. चार शब्द, Do not be ridiculous. अगर आपने कहना है कि मुझे कोई चीज खरीद कर दो, तो आप कह सकते हैं बाय मी अ स्कूटर, बाय मी अ कार, बाय मी अ कैलेंडर, बाय मी अ स्वीट, बाय मी सम पेस्ट्रीज। आप बाय मी के साथ आप कुछ चीजें लगा सकते हैं, सम पेस्ट्रीज, वन पेस्ट्री, मैनी पेस्ट्रीज, सम पैटीज, वगैरह वगैरह। और अगर आपने किसी के बारे में कहना है कि वो बहुत लड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं दे फाइट अ लॉट, या हम कह सकते हैं दे क्वारल वेरी ऑफन। फाइट शब्द की जगह हम क्वारल भी बोल सकते हैं, क्वारल का मतलब है झगड़ा। दे क्वारल वेरी ऑफन, कई बार, मतलब कई बार वो लड़ाई करते हैं, दे क्वारल वेरी ऑफन। और अगर हमने किसी को गुस्से में कहना है कि यहां मत आना, तो हम कह यहां दोबारा मत आना, तो क्या कहेंगे, डू नॉट कम अगेन, डू नॉट कम अगेन। और हमने किसी को कहना वहां मत खड़े हो, तो कहेंगे डू नॉट स्टैंड देयर, या डू नॉट स्टैंड हियर, यहां के लिए हियर, वहां के लिए देयर, डू नॉट स्टैंड हियर, डू नॉट स्टैंड देयर, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं वो बहुत मतलब बहुत प्लेजेंट है, बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है किसी की, कोई बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम जैसे होते हैं लोग, बड़े शांत स्वभाव वाले और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है, तो हम कह सकते हैं शी इज क्वाइट प्लेजेंट, शी इज क्वाइट प्लेजेंट, या ही इज क्वाइट प्लेजेंट।
अगर आपने कहना, किसी ने आपको कहा कि यहां से जाओ और आपने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, तब आप कह सकते हैं आई एम नॉट लीविंग, आई एम नॉट लीविंग। तो आई एम नॉट लीविंग तीन शब्द का भी बन सकता है जब आई एम को आप कॉन्ट्रैक्शन बना दे। यदि आप कहें आई एम नॉट लीविंग, देखिए तीन शब्द के वाक्य और चार शब्द के वाक्य कैसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इसका मतलब है ना कि हम छोटे वाक्यों से बड़े वाक्यों की तरफ आसानी से जा सकते हैं और इंग्लिश सीखने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। एक और चीज़, जैसे आप कह सकते हैं ड्राइव द कार केयरफुली, गाड़ी को ध्यान से चलाइए। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो चार शब्द से बनते हैं। उम्मीद करूंगी कि आप कोशिश करते रहेंगे और जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तब आप बढ़िएगा पांच शब्दों वाले वाक्यों की तरफ। आई होप दिस लेसन हैज बीन हेल्पफुल। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप रिवाइंड कर करके ज़्यादा से ज़्यादा मैटर एक ही वीडियो से निकाल सके। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और आप जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।